स्वागत है आप सभी लोगों का पूर्वांचल तक। यूपी के बस्ती जिले में चौंकाने वाला मामला सामने आया। आपको बताते चले कि बनकटी ब्लॉक के आने वाले ग्राम पंचायत हरैया स्वराज ग्राम मुरादापुर के, जहां योगी मोदी की सरकार खास करके डबल इंजन की सरकार मुफ्त राशन मुहैया कराने में लगी, वहीं पर एक तरफ देखा गया कोटदार व जिम्मेदार अधिकारियों की मिली भगत से राशन वितरण बंदरबाट का मामला सामने आया। क्या नाम पड़ेगा आपका? शहनाज। कितना राशन आपको मिलता है? 13 किलो। कितना यूनिट है राशन कार्ड में? 4। राशन कार्ड दिखाइएगा। ऑनलाइन पे दो दिखा रहा है। ये नाम है। ऑनलाइन पे चार। ऑनलाइन 4 दिखा रहा है। 13 किलो मिलता है आपको। आपकी जांच हो गई? इससे अलग शिकायत है? कम से कम 200 कार्ड वहाँ 150 एक्चुअली पर्याप्त है। इतना पर्याप्त सर जी, जांच हो गई आपकी? अभी नहीं, जांच चल रही है। थोड़ा सा बाइट दे दीजिए। हम अभी बाइट नहीं दे पाए। देखिए, आप जांच करने के लिए आए हैं सर। अभी ये अभी जो है जांच चल रही, बयान हुआ, सबके सामने हुआ, पब्लिक के सामने, आप लोग भी थे, तो उससे अलग मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। नहीं तो कुछ तो बोल दीजिए, आप जांच में क्या पाए? कुछ तो आप लोग भी थे जो है, इन्होंने गल्ला कम दिया है, गल्ला कम दिया, पब्लिक यही बता रही है। आप भी थे जो है, बस ठीक है। हरैया की जरूरत नहीं है सर, हरैया में जांच की जरूरत नहीं है। हो गया जो है, इतना पर्याप्त। सभी लोगों का पूर्वांचल तक न्यूज में। अभी हम है बस्ती जिले में, एक गांव मुरादपुर है, और आपको बता दें एक गांव आज सुबह से ही जांच के घेरे में है, और जांच के घेरे में इसलिए है जहां देखा जाता है योगी मोदी की सरकार है, वहां योगी मोदी की सरकार पे पानी फेरा जा रहा है। यहां की जनता, तमाम जनता है, सैकड़ों की संख्या में यहां पर जनता इकट्ठा है, युवा भी है, बुजुर्ग भी है। इनसे बात करते हैं, आखिर सुबह से जांच के घेरे में क्यों पड़ा था ये गांव, और क्या पूरा मामला है? भैया क्या नाम पड़ेगा आपका? राम कुमार। कैसे क्या मामला था पूरा जांच के घेरे में पूरा गांव का पड़ गया? कौन का मुख लेता है? क्या नाम पड़ेगा आपका? बोलो, बोलिए भाई। सोनूपाल। आप यहाँ पर राशन उठाती हैं? नहीं, हम गांव के निवासी हैं। गांव के निवासी हैं जी। कैसे मालूम खमो कर लेते हैं? फिर कैसे आप टोक दी उनको? नहीं तो हम बोलते, हम समझे वो दूसरे। अच्छा, दूसरे, आप समझ लिए। यहाँ पर आज जांच का घेरा पड़ा था, जिम्मेदार अधिकारी थे, क्या निकला यहाँ पर? देखिए, जो सरकारी कांटा है उसी से तोल के दिया जाता है। सरकारी कांटा जो कह रहे हैं कि सरकारी कांटे से दिया जाता है, लेकिन जब जिम्मेदार यहाँ के गांव के लोग हैं, जितने लोग हाथ उठाए, सरकारी कांटे दिया जाता है? नहीं। उसका नाम यहाँ पे है, मैं नामुल्ला बोल रहा हूँ जी। अरे उसका जो है राशन ये नहीं दे रहा, एक साल दिया, एक साल दिया, दूसरा साल जब लगा बोले इसका नाम कट गया। उसके बाद 2 साल तक ये राशन दिया नहीं। उसके बाद मैं यहाँ से कमोकर भाग के गया राशन लेने, वहाँ मुझे बराबर लड़की का राशन मिल रहा, नेट पे है ना, ये बोला नेट पे नाम कट गया। भैया हर गांव में हम सुनते रहे थे कि 1 से 2 लोग जो बेचारे परेशान रहते थे, वो जाके दूसरे गांव या दूसरे राज्य या दूसरे जिले में, राज्य में नहीं, उत्तर प्रदेश में ही दूसरे गांव में जाके लेते थे। लेकिन यहां पर एक तमाम जनता है जो कह रही है भैया हम तो परेशान हो जाते हैं यहां से, और जाके दूसरे गांव में लेते। भैया और कोई है बोलने वाला? भैया भैया आज तक सरकारी कांटा आया हुआ है, भोजन करके देना चाहिए पूरे गांव में, वो कांटा देखा ही नहीं है। आप जितने लोग से पूछ लो, क्या किसी ने वो सरकारी कांटा देखा है? किसी ने नहीं देखा, घर के अंदर रखा है, टेबल पे अंगूठा लगवाता है, उसके बाद वहाँ से पर्ची निकलती है तो उखाड़ के फेंक देता है। उसमें एक सिस्टम रहता है वाईफाई का, वाईफाई का सिस्टम रहता है, अगर वो तार नहीं लगाएंगे तभी अंदर से कैच करवा के उसके बाद वो राशन 1 हफ्ते के बाद दूसरे कांटे से देता है। और दूसरे कांटे से जब देगा तो उसका विंडो घर के अंदर रहता है, राशन लेने वाले को वो कांटा भी नहीं दिखता, विंडो पे कितना किलो दिया कितना नहीं दिया, यही है। और जो लोग कमोखर चले गए तो ये गांव से कोटा छोड़ के दूसरे गांव से लेने गए, वो परेशान हो गए हैं कोटेदार से, जिसका 30 किलो बनता है उसको 15 देता है, तो उसके बाद
ये पर्ची प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना भैया हाँ। पर्ची को देख ले है? ये कोई पर्ची देखा नहीं देखा बापू जो नहीं देखा नहीं देखा यहाँ कहीं से निकली ये पर्ची योगी मोदी सरकार में इतना बड़ा अगर घोटाला होगा तो क्या होगा इतना घोटाला होने के बाद ये जनता जागी हुई है अब आगे की कार्रवाई अगर यहाँ से हुई तो हुई नहीं तो हम लोग डीएम का घर घेर लेंगे बक भर के जाएंगे यहाँ से एक गांव है इसी ग्राम सभी का हरैया वहाँ पे और लोग इससे दुखी है जिम्मेदार भी पहुँचे थे लेकिन ये जांच का विषय है और जिम्मेदार अधिकारी भी आए थे उन्होंने कहा कि अभी तक पूरा जांच नहीं कम्प्लीट हुआ हम जरूरी मीटिंग में जा रहे हैं लेकिन आपको दिखाएंगे तमाम जनता थी जो कि कुटदार से परेशान है और सब लोग कह रहे हैं कि भैया 4 किलो 5 किलो 2 किलो हमको कमा मिलता है मिलता है कम हाँ हर किसी को कम मिलता है 10-10 किलो भी कम मिलता है और जो लोग की मृत्यु हो गई है उनका नाम कटा नहीं है उसका भी राशन ये नहीं देता और उसके बाद एक गांव हरैया है वहाँ के सारे लोग इससे दुखी है बहुत सारे लोग जिसका मित्र हो जाएगा उसे कैसे मिलेगा हाँ तो उसका नाम उसको कटवाना चाहिए ना जिंदा लोगों का नाम कटवा सकता है तो क्या मरे हुए लोगों का नाम ये नहीं कटवा सकता ये नहीं कटवाता क्योंकि उसका राशन इसको लेना रहता बस यही बात भैया पूरा जांच का विषय है क्या कहेंगे पूरा गलत है एकदम किलो जगह पे 22 किलो राशन मिलता है आज तक किसी को पर्ची नहीं मिली है जो ऑनलाइन पर्ची जो निकलती है आज तक किसी ने देखा ही नहीं गांव का कोई आदमी नहीं देखा नया मशीन ये देख ले बाटा नहीं गांव का कोई इंजन लगा के अंगूठा अंदर लेके जाता है मशीन वहाँ पर्ची निकलती है फेंक देता है भैया बांट रखता है उसपे वजन का हम बस्ती जिले में मौजूद थे ये पूरा गांव जांच का विषय है ये क्योंकि इतना बड़ा घोटाला योगी और मोदी की सरकार में खास करके डबल इंजन की सरकार में अगर ऐसा होगा तो जनता के साथ ना इंसाफी हो रही है रिपोर्ट वीरू गुप्ता बस्ती।